तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको अपना जो व्हाट्सएप का चैट बैकअप है वो ओल्ड फोन से न्यू फोन के अंदर ट्रांसफर कैसे करना है। बात तो वैसे एक ही होगी कि एक फोन से दूसरे फोन के अंदर व्हाट्सएप का बैकअप चैट कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो देखने में आपको ये न्यू फोन लग रहा होगा, हाँ वैसे यही मेरा न्यू फोन है, बट क्या करें इसके अंदर मेरा व्हाट्सएप है और ये मैं जो फ़ोन है इसको मैं कहीं से ढूंढ कर लेकर आया हूँ, ओल्ड फ़ोन है। बात तो वैसे एक ही है कि एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन के अंदर व्हाट्सएप का चैट बैकअप ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये मेरा फ़ोन है, ठीक है, इसके अंदर मेरा व्हाट्सएप है। अब आपको मैं बताऊँगा कि आपको एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन के अंदर व्हाट्सएप को कैसे ट्रांसफ़र करना है। आपके पास ओल्ड है, न्यू फ़ोन है, ट्रिक हर फ़ोन के अंदर काम करती है, ठीक है। तो जैसे कि मेरे पास फ़ोन है, इसको यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। पहले तो इसके अंदर मेरा व्हाट्सएप है, तो यहाँ पर व्हाट्सएप को पहले तो मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो मैंने व्हाट्सएप को ओपन कर लिया, तो यहाँ पर मेरी काफ़ी सारे चैट वगैरह है, ठीक है। तो सब कुछ आपको मैं ट्रांसफ़र करके बताऊँगा मैं दूसरे फ़ोन के अंदर। तो आप चैट बैकअप लो, जाना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास गूगल ड्राइव है या नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको टॉप के ऊपर पहले तो क्लिक कर लेना है, ठीक है। देन आपको यहाँ पर सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर चैट्स के ऊपर क्लिक कर लेना है। देन नीचे आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन ट्रांसफर चैट्स की, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। बट उससे पहले आपको क्या करना है, आपको दूसरे फ़ोन के अंदर जिसके अंदर आपको अपना जो बैकअप ट्रांसफर करना है उसके अंदर आपको व्हाट्सएप को पहले थोड़ा सा ओपन कर लेना। जहाँ पर मैं व्हाट्सएप को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, जहाँ से मैंने अभी इसको इंस्टॉल कराई है, तो जहाँ पर मैंने व्हाट्सएप को ओपन कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको जिसके अंदर आपका जो व्हाट्सएप चल रहा है वहाँ पर आपको ट्रांसफर चैट्स देखने को मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। तो जहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, देन आपको यहाँ पर स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक कैमरा आपका ओपन हो जाएगा, आपको क्या करना है, आपको इसको स्कैन करना है जिस फ़ोन के अंदर आपको बैकअप ट्रांसफ़र करना है। तो क्या करना है आपको, इसके अंदर आपको पहले तो जो भी आपकी लैंग्वेज है वो सिलेक्ट कर लेना है। देन अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है, कौन सा फ़ोन नंबर एंटर करना है जिसके अंदर आपका व्हाट्सअप चल रहा है ओल्ड वाला। तो यहाँ पर मैं अपना फ़ोन नंबर एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर देखो मेरा फ़ोन नंबर एंटर हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई अनदर वे के ऊपर क्लिक कर लेना है। देन आपको यहाँ पर सेंड एसएमएस के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और मेरे फ़ोन के ऊपर ओटीपी आएगा जो आपको एंटर कर लेना है। तो मेरा जो फ़ोन है इसके अंदर वो देखना ओटीपी आ जाएगा, तो जहाँ से हम ओटीपी लेते हैं पहले तो क्या ओटीपी आता है, तो यहाँ पर ओटीपी आ चुका है। तो क्या ओटीपी आया है देखते हैं, वो भी पहले तो 792, ठीक है। तो यहाँ पर ओटीपी आ चुका है, उसके बाद यहाँ से फिर से मैं व्हाट्सएप को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। जहाँ पर स्कैनिंग करेंगे तो जहाँ पर मैं अपना जो पिन है वो भी एंटर कर लेता हूँ। अगर आपके फ़ोन में पिन है तो वो आपको एंटर करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ट्रांसफर चैट्स हिस्ट्री फ्रॉम ओल्ड फोन, तो जहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना है, फिर से आपको अलो करना है, देन आपको अलो के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर सकते हो, लोकेशन आपकी ऑन हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर लोकेशन को ऑन करना है, देन बैक आना है, फिर से आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, देन बैक आना है। और जहाँ से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना, जब तक आपकी यहाँ पर लोकेशन ऑन ही होती है आपको यहाँ पर इसको पहले तो ऑन ऑफ कर लेना, कई बार ग्लिच हो जाता है। तो यहाँ पर मैं लोकेशन को ऑन कर देता हूँ, ठीक है, टर्न ऑन लोकेशन। तो यहाँ पर आपको एक क्यूआर कोड देखने को मिलेगा व्हाट्सएप का, आपको क्या करना है, आपको यहाँ से इसको स्कैनिंग करना है। जहाँ पर मैं स्कैनिंग कर लेता हूँ, तो यहाँ पर स्कैनिंग करा जे, तो यहाँ पर स्कैनिंग हो चुकी है, ठीक है। जहाँ पर आप देख सकते हो, आपको मैं फोकस करके दिखा देता हूँ, जो मेरा अभी बैकअप है जहाँ से ट्रांसफ़र होने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। अभी से स्कैनिंग तो देखो कर ली है, तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एक्सेप्ट की ऑप्शन आ चुकी है कि आपको ये एक्सेप्ट करना है या नहीं। तो यहाँ पर मैं एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, एक्सेप्ट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पर देखो जो मैं कंप्लीट सेटअप न्यू फ़ोन के अंदर चला गया है तो आपके बिल्कुल सामने है। तो यहाँ पर सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, जो भी मेरी चैट बैकअप थी यहाँ पर ट्रांसफ़र हो चुकी है मेरे इस फ़ोन के अंदर। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जहाँ पर मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो जहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, जहाँ पर मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, उसके बाद अलो के ऊपर क्लिक करता हूँ। और जहाँ पर फोटो भी एंटर हो चुकी है, नेम वगैरह हम बाद में एंटर कर लेंगे क्योंकि आपको मुझे दिखाना है कि मैसेज आए हैं या नहीं। तो जहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ, ये तो आपको बस मैं करके बता रहा हूँ कि मेरे मैसेज आते हैं दूसरे फ़ोन के अंदर या नहीं, क्योंकि मैं चलाऊँगा तो वैसे यही फ़ोन। आपको मैं करके बता रहा हूँ कि कैसे दूसरे फ़ोन के अंदर ट्रांसफ़र करती है अपना जो भी चैट बैकअप हो व्हाट्सएप का या कोई भी अनदर व्हाट्सएप का। तो यहाँ पर मैं पहले तो अपना जो पिन है वो एंटर कर लेता हूँ, ठीक है, व्हाट्सएप का पिन है जो मेरा, तो आपके बिल्कुल सामने होगा, ठीक है, आपके बिल्कुल सामने है। आप चेक कर लें जो भी मेरे मैसेज आने पर, सारे मैसेज ट्रांसफ़र हो चुके हैं मेरे व्हाट्सएप के अंदर दूसरे फ़ोन के अंदर। अब तो आपके बिल्कुल सामने है, जो भी मेरे व्हाट्सएप का बैकअप था एक फ़ोन से मैं दूसरे फ़ोन के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है। आप चेक कर सकते हो, चैट वगैरह वो ही है। अभी आपको यहाँ पर नंबर देखने को मिल रहा है, नंबर क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपको पता है ये मेरा दूसरा फ़ोन है, इसके अंदर देखो मैंने नेम सेव नहीं करे हैं।
इसलिए आपको यहाँ पर नंबर देखने को मिले, नेम देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट भी सेव कर लेते हो तो आपको यहाँ पर नंबर के साथ नेम भी देखने को मिलेंगे। बाकी जो भी चेयर वगैरह वो आपको मैंने बता दी कैसे ट्रांसफर करते हैं एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो अब बात करते हैं कि क्या फ़ोन के अंदर व्हाट्सअप चलेगा, तो चेक कर लेती हैं एक बार इसको भी। तो जहाँ से मैं लॉक ओपन करता हूँ, डंट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, बैक जाता हूँ। तो बैक जाने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कोई भी यहाँ पर मेरा व्हाट्सअप नहीं चल रहा न्यू पुराने फ़ोन के अंदर। तो यहाँ पर मुझे लॉगिन ही करना पड़ेगा फिर से। इसका मतलब ये है कि हम एक बार में सिर्फ एक जगह ही व्हाट्सअप को चला सकते हैं, या तो इस फोन के अंदर या तो इस फोन के अंदर। आपको मैंने बता दिया कि कैसे ट्रांसफर करती है बैकअप एक फोन से दूसरे फोन के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आज बस नहीं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।